खुशी की बात है और उजियारपुर लोकसभा समस्तीपुर जिला ही नहीं आसपास के कई जिलों के लिए यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस राम श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्वीकृति दी थी और जो केंद्र का अंश है उसको पहले ही मुहैया केंद्र सरकार द्वारा करा दी गई। तत्पश्चात बिहार की सरकार ने तत्परता के साथ इस अस्पताल का निर्माण कराया है, इसलिए बिहार सरकार को भी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार वासियों की ओर से मिथिला वासियों की ओर से बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और उनका हम अभिनंदन करते हैं कि इस सुदूर ग्रामीण इलाकों में उन्होंने एक अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी और केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराई। प्रथम चरण में यहाँ 100 मेडिकल के स्टूडेंट का नामांकन अगस्त सितंबर महीने में होगा। यहाँ डॉक्टरों की भी बहाली हो गई है और यह मेडिकल अस्पताल और कॉलेज निश्चित रूप से अच्छी स्वास्थ्य सेवा यहाँ उपलब्ध कराएगी। कई बाधाएं इसमें आई थी लेकिन उस बाधाओं को दूर करके इस अस्पताल की स्थापना हुई है और यहाँ श्री राम जानकी मठ के द्वारा 25 एकड़ जमीन भी आवंटित की गई है। तो हम श्री राम जानकी मठ को भी हम आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने निःशुल्क श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जमीन का उन्होंने स्वीकृति देकर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए दिया है। यहाँ के आसपास के लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और तब यह जाकर यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि यहाँ अच्छे से मरीजों की सेवा दे, जो भी विद्यार्थी आए यहाँ उन्नत मेडिकल की पढ़ाई करें। और यह बहुत सौभाग्य की बात है कि कल अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मूर्ति जो राम लला का प्रभु राम का जो वहाँ स्थापित होगा उनका प्राण प्रतिष्ठा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। वहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी भी शुभकामना हम सबको दे रहे हैं और यहाँ श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का भी आज यहाँ शुभारम्भ उद्घाटन हो रहा है, इसकी भी हम शुभकामना देते हैं।